This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum and welcome to Business Plus TV. आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ और मैं हूं आपके साथ अर्जुमंद यूसुफ. हर हफ्ते एक नए सोशल सब्जेक्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर लीगल अवेयरनेस आपको फराहम कर सकें. और आज का हमारा टॉपिक है गैर कानूनी साइन बोर्ड्स का कानूनी इतलाक. हमारे लीगल एक्सपर्ट जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, साथ साथ रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. उन्हें आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. आज क्या टॉपिक लेके बैठी हैं जी? आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने लास्ट वीक अनाउंस भी कर दिया था, और रिलेटेड है इलीगल साइन बोर्ड्स और उनके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे. तो टॉपिक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं. आपसे जानना चाहेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है, आखिर ये जो साइन बोर्ड्स का ये मामला है क्या, इस पर हमारे नाज़रीन को आप ब्रीफ कीजिए. मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा आप आगे चली गई. सबसे पहले तो ये पूछिए कि है क्या चीज़. जी मैं वही आपसे पूछना चाहूँगा. अब ये साइन बोर्ड है, आपको मुख्तलिफ शहर में नज़र आएंगे, एक बैनर की सूरत में, एक पेनाफ्लेक्स में, एक लाइटों वाला और एक बिल्डिंग के ऊपर, यानी मुख्तलिफ अकसाम है इनकी. यानी इसका मकसद ये है कि कोई भी बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉपकीपर, बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, और इस डिस्प्ले के लिए बाकायदा कानून मौजूद है. सिंध गवर्नमेंट में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, हर जगह बाकायदा कानून मौजूद है. उसमें आपको बताया जाता है कि न्यून साइन या जो लाइटों वाला साइन है वो कितना बाय कितना होना चाहिए और कहाँ लगना चाहिए. बैनर का साइज़ मौजूद है, आपका जो शॉप के ऊपर जो बोर्ड है उसका साइज़ मौजूद है, और पूरा एक तरीक़ाकार कानून मेरे सामने जो सिटी गवर्नमेंट का यानी सिंध गवर्नमेंट के जो बायलाज है वो कंप्लीट मौजूद है, और उसमें हर चीज़ पूरा तफसील से बताएगी. और ये सिर्फ सिंध का नहीं है, सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है. ये अलबत्ता अलग बात है कि नज़ला सिर्फ कराची पर गिरा है. जी ठीक है कादिर साहब, इस टॉपिक के हवाले से तो हम तफसीलन बात करेंगे. और आज के हमारे टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, तो आप लाइव कॉल के ज़रिए भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. उससे पहले हम जाएंगे, कुछ हमारी टीम ने अवामी राय ली है हर हफ्ते की तरह, तो चलते हैं और आपको सुनवाते हैं. हमारे मुल्क का कानून है क्या, तो सिर्फ कराची के लिए अलग क्यों किया गया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी अदलिया है और जो हमारे ये जितने हुक्मरान हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे काम जो रोके हैं, जिसमें बिलबोर्ड्स हो गए और ये स्टीमर्स हो गए, तो इनको बहाल किया जाए और दोबारा खोला जाए. वजह बताऊँ क्या है कि इन्होंने पहले स्टीमर्स खोले थे, अच्छा खासा थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ हमारा, लेकिन उसके बाद इन्होंने दोबारा बंद कर दिया. अब इसके पीछे क्या पॉलिसीज़ हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इनसे ये गुजारिश है कि इसको खोलें, इसको बहाल करें. ये जो हालात ट्राइजिंग है इस वक्त बहुत कंडीशन ख़राब है, पब्लिक जो है भूखी मर रही है, हम लोग भी 101 साल से बेरोज़गार हैं तकरीबन. मामलात कब तक सही होंगे ये कुछ समझ में नहीं आता है. अंदर खाने सब कुछ चल रहा है, हम लोग पे पाबंदी है. जी हम तमाम कराची के छोटे बड़े एडवर्टाइज़र हजरात ये मुतालबा करते हैं कि इस काम को इसकी रूह के मुताबिक खोला जाए, और ये जो इस वक्त गैर कानूनी वॉल पेस्टिंग जिसका ना तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू हासिल हो रहा है, और सिर्फ बड़े लोगों की एजेंसियों को चलाने के लिए और चंद लोगों को पुश करने के लिए ये काम जारी है, इसका हम नोटिस आला अदलिया को दिलवाना चाहते हैं. और हम चाहते हैं कि अगर ये काम खुलता है तो बाय लॉज के मुताबिक खुले, ताकि छोटे बड़े तमाम एडवर्टाइज़र्स हजरात को इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हों. फिटर है जो छोटे तबका है, जो इस जिसको और कोई हुनर नहीं आता, वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो बेरोज़गार हो गया है, बच्चों ने अपने लोगों ने स्कूलों से बच्चों को अपने उठा लिया है, क्योंकि उनके माशी हालात बिल्कुल, और कुछ लोग तो फाका कशी पे मजबूर हैं. तो हमने बहैसियत कराची एडवर्टाइज़र एसोसिएशन ने ये फ़ैसला किया है कि अब एक जद्दोजहद करना होगी अपने हकूक़ के लिए, और ये जो एडवर्टाइजिंग माफिया है इससे हमें अपनी जान छुड़ाना होगी, और हम
जो सब मिलके अरबों रुपए का टैक्स सरकारी खजाने में जमा कराते थे, उसको बैन कर दिया गया है और सिर्फ मखसूस लोग अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं, जिस पे हम पुरजोर एहतजाज करते हैं और अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि इस जगह का नोटिस लें और इस काम को प्रॉपर बहाल करें ताकि कौमी खजाने में भी खातिरखा रकम जमा हो और लोगों का रोज़गार भी खुले और छोटा तबका भी इससे फ़ायदा उठा सके। अवामी राय तो हमने जानी, आपने देखा कि कराची एडवर्टाइज़र एसोसिएशन जो है सरापा एहतजाज है। कादर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि कराची के अवाम के साथ कुछ बायसनेस दिखाई जाती है जब भी रूल्स और रेगुलेशंस की बात आती है? तो हमारी बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि अगर कि लाइब्रेरी में एक किताब ख़राब हो या क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर एतराज़ हो तो पूरे लाइब्रेरी को बंद किया जाता है। मैं जलाने की बात नहीं करूँ, बंद किया जाता है जी। और ये जो एडवर्टाइज़र एसोसिएशन वाले हैं कराची, ये इनका एहतजाज मेरे हिसाब से सही है। वो इस वजह से कि आइन का आर्टिकल 25 ये कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी तमाम शहरी बराबर है। और फिर सिंध में अगर ये रूल्स मौजूद है तो ये सिर्फ कराची में नहीं है, यहाँ से लेके सकर तक है। और जो मालूमात जो उनसे मेरी डिस्कशन हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाबंदी कराची में है, यानी हैदराबाद में भी नहीं है, यही सुबह है। कोयटा, पिशावर, लाहौर, इस्लामाबाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, हैदराबाद में भी ये कानून नहीं, यानी पाबंदी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सो मोटो एक्शन या कोई दरख्वास्त आई है तो उसको मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से उस केस को चला ही नहीं गया। अब अदालत के सामने चीज़ें अगर एक तरफा आती रहेंगी तो ज़ारी बते अदालत उसी के ऊपर फैसला देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद होगा कि 2007 में तकरीबन, आज से चंद साल पहले, जो शदीद बारिश कराची में हुई जिससे ये साइन बोर्ड वगैरह भी गिर गए उसमें जी। और उस वक्त मैंने एक पिटीशन भी दाखिल किया था कि ये इससे काफ़ी लोग जो है ना वो मर भी गए, उसे नुकसानात भी हो गए। अब मसला ये नहीं है कि अगर एक बिल बोर्ड गिर जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा शहर के ऊपर झाड़ू फेर दें। आप उसकी साइज़ में, आप उसकी थिकनेस में, आप उसकी मजबूती में, आप उसकी लोकेशन में, इन चीज़ों में आप तरामीम लाए, इन चीज़ों में आप सख्त से सख्त कानून लाए। मैं कहता हूँ किसी शहरी को, किसी शख्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मिसाल लाइब्रेरी की दे रहा हूँ कि एक किताब अगर तनकीद करना चाह रहा हूँ तो पूरे लाइब्रेरी को आप बंद नहीं कर सकते। आप उसके हवाले से साइड की बाकायदा जो है ना आप तजावीज़ लें। आप जो मुख्तलिफ महकमे यहाँ पर कराची में है, एक कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है, आपका सिटी गवर्नमेंट है, फिर कच्ची आबादी है, फिर गोड देहात है, ये सारा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कराची में लोग आते हैं गांव देहात से, मैं खुद गांव देहात का रहने वाला हूँ, तो गांव देहात से जो लोग आते हैं तो ये साइन बोर्ड की वजह से, ये खूबसूरती की वजह से कराची है। आज कराची ऐसा लग रहा है, कोई ऐसे लगे को गंजापन नज़र आ रहा है पूरा। और मुझे याद पड़ रहा है ये पहले जो नाजोबाद में गुलमार का जो रोड था, ये सबसे खूबसूरत रोड कहा जाता था। उसमें वो जो डेंटोनिक का और उस हवाले से वो जो आज पैसा बचाओ कल काम आएगा, उस हवाले से ये बड़ी खूबसूरत और वो लाइटों वाला जो आजकल न्यूज़ आन कहते हैं वो चीज़ें मौजूद थी। आज तो बड़ी जद्दी तरीके से, अगर आप क्लिफ्टन और डिफेंस इस एरिया में देखें, आज से चंद महीने पहले, इस पाबंदी से पहले तो ये एक रौनक हुआ करता था। और यही चीज़ पूरे लाहौर में है, यही कोयटा में है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ किसी ने बात नहीं की है। जब एक कानून मौजूद है, रूल्स मौजूद है, सिटी गवर्नमेंट का बाकायदा एक पूरा स्पेसिफिकेशन, साइज, रेट, हर चीज़ मौजूद है, तो उसको अक्सर आप मुस्तरद कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं फिर वही बदकिस्मती से कहूँगी, शायद जिन लोगों ने इस केस को चलाया, जिन लोगों ने इस केस को आगे प्रोसीड किया है, अदालत की मदद की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से अदालत को असिस्ट नहीं किया। ठीक है कादर साहब, जैसे कि हमने तहफ़ात भी जाने कॉमेंट्स के ज़रिए, कराची की जो भी एसोसिएशन थी, तो बिल्कुल आपकी बात को हम सेकेंड करेंगे कि हर बात के, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। लेकिन हमने ये देखा कि इन तमाम तर बोर्ड्स के ज़रिए और होर्डिंग्स के ज़रिए अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता था, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता था। तो शायद ज़िलाई इंतज़ामिया की बात करें या हुकूमत की, तो नुकसान तो कहीं भी नहीं था। साथ ही साथ हमने देखा कि मौआशी बहरान भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि कई हज़ार अफराद हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है इस चीज़ के साथ। तो अब क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप क्या समझते हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे इन तमाम तर लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं?
मैं समझ रहा हूँ कि इनके एहतजाज 100% सही है, जो एहतजाज कराची एडवर्टाइज़र एसोसिएशन कर रही है, तो मैं समझ रहा हूँ इनके नुमाइंदे, इनकी जो इंटरव्यू है उनकी जुआ है, ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ये कोई इलीगल काम की परमिशन नहीं मांग रहा है, ये लीगल काम के ऑलरेडी जब कानून हमारे मुल्क में हमारे सूबे में पूरा बायलाज मौजूद है, साइज़ दिया हुआ गया, आपको लोकेशन दिया गया, आपको रेट दिया गया, हर चीज़, तो उस हवाले से फिर ये कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और इंशाल्लाह बिज़नेस प्लस के ज़रिए हम इंशाल्लाह मदद करेंगे, हम ही इस केस को उठाएंगे। और इसमें जो बात आपने की, एक तो सिंध गवर्नमेंट को अरबों रुपए का इनकम आ रहा है जी बिल्कुल, और फिर दूसरी बात ये कि जो 100 से ज़्यादा चैनल है हमारे मुल्क में या अरबों रुपये करोड़ रुपये जो एडवर्टाइजमेंट की मद में जो इन्हें देते हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वो दे सकते हैं, छोटे जो ताजर है, दुकानदार है, छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है, साबुन बनाने वाले, तोलिया बनाने वाले, वो तो नहीं दे सकते हैं। और फिर 100 चैनल में किस को आप देंगे? या तो एक बोर्ड आपने लगा लिए तो लाखों की तादाद में लोग वहाँ से गुजरेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सस्ता एडवर्टाइजमेंट है और इससे रोज़गार में भी एक प्रमोशन हो रही है, और फिर इसे जो वाबस्ता लोग हैं, जो फिटर है, दूसरे लगाने वाले हैं, लकड़ी वाले हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कराची की दीवारों को एक भयानक सूरत हाल दी, आमिल बाबा, फलाना नजूमी, फलाना दवाखाना, भाई उनको रुकने वाला कौन है? किस कानून के तहत वो लगा रहे हैं? कौन से पैसे दे रहे हैं? और ये बाज़ औक़ात इंतज़ामिया से हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ये तो जो लगा लेते हैं, भाई ये इसको तो पकड़ना बड़ा आसान है जी बिल्कुल। और अगर हमें अगर आप किसी आमिल बाबे का उसका टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, उसका आशाना, ठिकाना, थेखाना, मुर्दखाना, जो नाम आप दे उनको, वेशत खाना। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में खुश आमदीद, कौन और कहाँ से और क्या सवाल करना चाहेंगे आप? इम्तियाज अली खोड़ो बात कर रहा हूँ मैं जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? वकील साहब से मैं अर्ज ये करूंगा कि कोर्ट्स में किसी सूरत में भी इंसाफ नहीं किया जाता। मेरा एक केस सुप्रीम कोर्ट में है, अभी चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, एजाजुल हसन और आपकी बात मैं काट रहा हूँ। देखिए, ये इस तरह अदालतों की बात करना, ये तो इन अदालत के ज़मरे में आते हैं, और अदालत से इंसाफ अगर नहीं होता तो ये माशरा ज़िंदा नहीं रहता। आखिर में जिससे भी कोई ज़्यादती होती है, आखिर में हम अदालत की तरफ देखते हैं। एक अदालत से अगर आपको इंसाफ नहीं मिले तो दूसरे अदालत से आपको इंसाफ मिल सकता है। तो यकसर सब पे तनकीद करना मैं कहता मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बात हमारी हो रही थी लीगल साइन बोर्ड्स के हवाले से, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बहैसियत कौम हम पैनिक क्यों कर जाते हैं किसी भी हादसे की सूरत में? माना कि जब बारिशें होती हैं, जैसे मानसून आने वाला है, तो कुछ एहतियाती तदबीर प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत हमने साइन बोर्ड्स हटा दिए, शहर से होर्डिंग्स तमाम उतार दिए, लेकिन हम तरीक़ेकार पर वजदारी क्यों नहीं करते? हम उसको बेहतर भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ौरन पैनिक कर जाते हैं, हमने तमाम तर जो है साइन बोर्ड्स फ़ौरन उतार दिए और ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग हैं जिनका जो रोज़गार है इससे वाबस्ता है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि ऑलरेडी जब एक कानून मौजूद है, स्पेसिफिकेशन मौजूद है, उसका रेट मौजूद है, उसका साइज़ मौजूद है, तो फिर ये रातों रात पूरा कटवाना और ये सारे, ये मैं कहता हूँ अकम है मकाना जो है ना, वो एक हरकत है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे सिटी गवर्नमेंट हो, आप किस बात पे कटवा रहे हैं? आप चेक करें, मिसाल के तौर पे शहर में यहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल बाकायदा जो पुरानी जो बिल्डिंग है वो चेक करते हैं कि आया ये जलजला प्रूफ, यानी जैसे कोयटा में तो खासतौर ख्याल किया जाता है, तो इस हवाले से उस बिल्डिंग को चेक किया जाता है, अपना जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि आया ये बिल्डिंग जो है ना, ये इस काबिल है कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह आप अपने इंजीनियर्स के ज़रिए इन साइन बोर्डों को आप चेक करें, जो साइन बोर्ड गिरने का ख़तरा हो तो उसको आप गिरा सकते हैं, आप उसको हिदायत दे सकते हैं, और फिर उसी बोर्ड को साथ में आप सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो अब ये क्या ये बोर्ड अमेरिका में नहीं लगे हैं, क्या यूरोप में नहीं लगे, क्या इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में नहीं लगे? वहाँ के मौसम की सूरत हाल तो कई गुना अबतर है, कई गुना अबतर है। और कई तो मेरे सवाल यही है कि बजाय आप एक ही लात पे सबको मारें, तो आप इन चीज़ को मजबूत करें उनकी। और फिर दूसरी बात है फंड की बात किया जाता है, ज़रूर मैं कहता हूँ करप्शन जहाँ उसको रोकना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप सिंध गवर्नमेंट का अरबों रुपये नुकसान भी तो हो रहा है। आप ये समझ रहे हो कि इन बिल बोर्ड इन बैनर्स के ज़रिए जो सिंध गवर्नमेंट के रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू आज जो हम रोना रो रहे हैं, या सिटी गवर्नमेंट का, या मेयर साहब हमारे दूसरे के शहर में गंदगी है, हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड इन्हीं चीज़ों के ज़रिए तो फंड जाता है वहाँ पर, ये कोई वफाकी हुकूमत फंड नहीं देते हैं। आपके टैक्स कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में खुश आमदीद, कौन और कहाँ से और क्या पूछना चाहेंगे आप?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम फरीद है और मैं साहिवाल से। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं वकील साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं साइन बोर्ड के हवाले से कि वो ये होने चाहिए, इन पे इंजीनियर्स होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं करता कि ये देखें इंसानी जान की कीमत आप कराची के रेवेन्यू पे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा अगर ये साइन बोर्ड लगे, बिल बोर्ड लगे और उसके ऊपर इंजीनियर्स हों, वो उसको पास करें, प्रॉपर चैनल पे आए, लेकिन मेरे शहर साहिवाल में और इस तरह बहुत से सिटीज में इस तरह के वाकयात रो हुए हैं कि मेरा ख्याल है सैकड़ों जाने गई हैं। जब भी ये आंधी चलती है या तेज हवा चलती है, पता चलता है कि एक पूरी फैमिली कार के नीचे वो दब के फौत हो गई, पांच अफराद हलाक हो गए। क्या इंसानी जान की बिल्कुल ज्यादा है या अरबों रुपए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपसे मैं सवाल करूंगा कि आपके साहिवाल में वहां सारे बोर्ड खत्म कर दिए क्या? पंजाब में खत्म कर दिया है क्या? लाहौर, क्वेटा, पेशावर में खत्म करिए, कराची क्यों? और फिर दूसरी बात यह कि अगर कोई इंसानी जान को, सबसे पहले मैंने पिटीशन दाखिल किया है, यह अलग बात है, उस पिटीशन को हवा में उड़ा दिया कि किसी ने सुना नहीं हुआ, एक अलग स्टोरी है। तो मैं आपसे पहले, मैं एक सोशल वर्कर की सियासत से मुझे खुद इस बात का एहसास है, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि आप एक ही तप्पड़ पर सबको मारें। अगर एक रोड ख़राब है जहाँ एक्सीडेंट का ख़तरा हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप रोड बंद कर ले। अगर एक ब्रिज जहाँ से अंडरपास हो या ओवरहेड ब्रिज हो, अगर वो खस्ता हालात में हो तो उसका मतलब थोड़ी आप गिरा दो, आप नया ब्रिज बना दे, मजबूत ब्रिज बना दे, बेहतर बना दे, सेफ बना दे आवाम के लिए। ये क्या बात हो गई? अगर एक ब्रिज का गिरने का खतरा है, आपको ब्रिज बंद करो। एक रोड जहाँ पे कोई मोटरसाइकिल वाला स्लिप हो, रोड को ही बंद करो। एक अंडरपास में अगर बारिश में पानी जमा हो रहा हो तो आप अंडरपास ही बंद करो। भाई इसके तरीके हैं, इसको बेहतर तरीके बेहतर बनाने के लिए आप उसका सेवरेज सिस्टम सही करें। आप उसकी जो दूसरी जो स्लिपिंग जो वाले या जो यानी जो कारपेट जिसको हम तारकुल कहते हैं, उसकी बेहतर क्वालिटी आप बना दें। उस पर अगर कोई ऑयल टैंकर गुजर रहा है, ऑयल गिर रहा है, उसको आप स्लिपरी से बचाने के लिए आप उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हो। ये क्या बात हो गई कि आप रोड ही बंद करेंगे? नहीं जी, इस रोड पे मोटरसाइकिल वाले गिरे, लिहाजा रोड ही बंद कर दो, ये शारा फैसल बंद कर दो। तो मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ, इंसानी जान सब ज़्यादा अफजल है, सब ज़्यादा, और हम बेटे में जान है तो जान होगा, लेकिन इसके साथ साथ एहतियाती दस्तावीर जो है ना वो करनी पड़ेंगे और उसको बेहतर तरीके से उस सारी चीज़ों को, बिल बोर्ड को, बैनर को, और ये आमिल बाब है जो माशरे में फांसी फैला रहे हैं, जो नौसत फैला रहे हैं, जो जादूगरी फैला रहे हैं, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसको भी तो करें ना। वहाँ भी जाए, आमिल बाबा का टेलीफोन नंबर ले जाए, पकड़ के ले आए इसको। और फिर कितने टीवी चैनल ने उन आमिल बाबरों की करतूतों का दास्ताने टीवी चैनल में सुना है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आप माशरे को बेहतर बनाने के लिए उसको, आप बेहतर तरीके से इंसानी जानों को नुकसान ना पहुँचाने के लिए उसकी आप उसकी रेगुलेशन सख्त करें, उसकी आप साइज सख्त करें, उसकी आप लोकेशन चेंज करें। जी बिल्कुल, और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही आगाही फराहम करने की कोशिश करें और एम्फसाइज भी इसी बात पे किया जा रहा है कि तरीके कार को बेहतर किया जाए। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन और कहां से और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अली हसन बात कर रहा हूं। मुझे वकील साहब से मालूम करना है कि ये बिल बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, ठीक है शहर की खूबसूरती पर, शहर तो बदनुमा हो गया था। अब ये बताइए, आपके शहर के अंदर इतनी अच्छी ग्रीनरी थी हमारे कराची शहर के अंदर, वो रातों रात बिल बोर्ड को लगाने के लिए काट दी जाती थी, और बिल बोर्ड के हवाले से हमारे ही मतलब एक करीबी घर के पास ही नीचे एक वाकया हुआ, एक यहाँ पर जो इनके पेनाफ्लेक्स लगाते हैं जो मजदूर होते हैं, वो उस पे से किरण लग के मर गया था वो। तो ये तो सिक्योरिटी मेजर्स तो इनके होते ही नहीं है ना इसके अंदर, और जहाँ पर फुटपाथ नहीं है वहाँ भी बिल बोर्ड लगा दिए। तो इस वक्त तो शहर बहुत अच्छी सूरत हाल में है, होना चाहिए कारोबार कोई भी हो, कोई भी मतलब नेचर हो बिजनेस का, पर लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ देखें कि कराची ऐसा मशहूर हो गया था, मैं काफ़ी अर्से बाद जब अपने मुल्क आया वापसी तो मैंने देखा ये तो बिल बोर्ड का शहर कहलाने लग गया था। तो अभी तो शहर बहुत अच्छा हो गया, शहर की बहुत अच्छी सूरत निकल आई है। वकील साहब से पूछना चाहूंगा, वकील साहब आप ये बताएं इसके साइजेस क्या है आपके बिल बोर्ड्स के, या कानून क्या है इसको लगाने का? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, आपके सवाल का हम लाइव जवाब ले लेते हैं। 10 फीट भी है, 20 भी है, 30 भी है, और बाज जगह पे 50 भी है, और पूरा बायलाज में मौजूद है। टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए जो कॉलर ने बात की है,
सवाल फिर मैं वही करूँगा, अगर किसी एडवर्टाइज़र ने, किसी माफिया ने, मैं नाम ये भी दे देता हूँ, अगर उसने कोई ग्रीन बेल्ट काट कर वहाँ बोर्ड लगाए, तो इसका मतलब पूरे शहर से आप बोर्ड हटा दें। और अभी कल ही की बात है, क्लिफ्टन में जो बिल्डिंग के ऊपर जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो ने पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ना वो पेस्ट कर दिया, रंग कर दिए अपने प्रोडक्ट के, और कल ही एक मजदूर गिरा उसमें, तो पूरे बिल्डिंग गिरा दे फिर, वो भी तो करे। तो सवाल मेरा ये है कि ग्रीन बेल्ट पे बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो बायलास की बात करूँ, उसके ऊपर सख्ती कर ले। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, तो उसका मतलब पूरी है कि पूरे ट्रैफिक पुलिस ही अब ख़त्म करे। आप वहाँ ईमानदार लोगों को खड़ा कर दिए, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिलसिला जारी रखे। जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, थिकनेस की बात कर रहा हूँ, साइज़ की बात करूँ, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है। अब अगर लॉस के ऊपर अमल दरामद नहीं है, उनके ऊपर जो कराने वाले बिल्डिंग कंट्रोल वाले दूसरे तीसरे उनको आप बढ़ाते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बिजनेस प्लस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ और आज हम बात कर रहे हैं इलीगल साइन बोर्ड्स के हवाले से। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्यूरी है या कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप लाइव कॉल के जरिए भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट कादिर खान बंदूखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, अब तक प्रोग्राम में जितने लाइव कॉलर शामिल हुए हैं, तो जो हम जिक्र कर रहे थे कि कौम हमारी ज़रा पैनिक कर जाती है, और हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात पर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि इलीगल जो साइन बोर्ड्स है उसको किसी तौर से हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसी तरमीम भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, और एडवर्टाइज़र्स ने रद्दो बदल भी किए हैं जिसके तहत जो है आप साइन बोर्ड्स लगाएं और जो रोज़गार है वो जारी और सारी रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स के साथ लोग सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उसकी वजह ये है कि लोग एक चीज़ उठा के लैक ऑफ नॉलेज के अलावा जो ना पंजाब में जो ये साइन बोर्ड वगैरह बिल बोर्ड लगाते हैं जी, ये बाकायदा मिट्टी खोद के उसके ऊपर लगाते हैं, और उसकी जो बैक पे शीट है, कराची में फ्रेम बनाया जाता है और उसमें सुराख होते हैं, हवा उससे आर पार गुजर सकती है, वहाँ जो है ना चादर लगा देते हैं। अब चादर जारी बातें, हवाओं से आर पार होता नहीं है, तो पूरा तेज़ हवा से गिर जाते हैं, और नीचे जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन मिट्टी के जैसे दरख्त लगाते हैं। कराची में बाकायदा सीमेंट का पूरा फाउंडेशन बनाया जाता है, तो उस फाउंडेशन की आपने देखें कि इतने साइज़ की जो ना उसकी वो डाय होते हैं, जो पाइप होते हैं उसके, तो इस हवाले से। अच्छा, मैं फिर भी कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, इसमें बहुत सारे गैरकानूनी अलाट किए गए, गैरकानूनी माफिया इसके अंदर शामिल हो गए, उन्होंने इधर जहाँ चुराए, जहाँ नज़र आए वहाँ बिल बोर्ड लगा लिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए। अब सख्ती से अमल होगा तो ये बेहतर से बेहतर चीज़ होगी। जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास परमिशन है, वो लगाना चाहिए। अगर आपने थोक के हिसाब से पूरा लाइन से रोड कर दिए, उससे क्या होगा, जो खूबसूरती की हम बातें करें वो खूबसूरती भी नहीं होगी, और फिर इस ये जो पैदल चलने वाले हैं, जैसे एक कॉलर ने बात की ग्रीन बेल्ट पे क्यों लगाते हैं, वहाँ परमिशन किसने दी है? अगर जिसने परमिशन दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आपने ग्रीन बेल्ट काट करके कैसे दे दिया है, या किसी प्राइवेट आदमी की बिल्डिंग का या उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो व्यू है उसको मुतासर होने के लिए आपने क्यों लगाया जी। और हम तो बिल्कुल एम्फसाइज़ हाँ। कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन को जहन में रखते हुए ही आप पूरे लीगल प्लेटफॉर्म के जरिए इन साइन बोर्ड्स को लगाएं। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, खुश आमदीद, कौन और कहाँ से और क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अपना जो बैठे हुए माहिर कानून, इनसे मेरा सवाल है जी, ये बार बार इलीगल साइन बोर्ड्स का जिक्र हो रहा है। हम तो बकायदा इसकी गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, ठीक है, उसका हम गवर्नमेंट को चलान पे किया जाता है, फिर भी बार बार मतलब इसमें इलीगल साइन बोर्ड जो जिक्र हो रहा है, थोड़ा इस पे हम तो गवर्नमेंट से परमिशन है, गवर्नमेंट के जी बिल्कुल, तो हम उन साइन बोर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं जो इलीगली तौर पर मौजूद हैं और जो तमाम तर कानूनी अमल के जरिए मौजूद हैं, उनके बारे में तो हम एक पॉजिटिव राय का इजहार कर रहे हैं। एक और सवाल मैं कर लेता हूँ, ये गालिबन सेशन वाला है, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये बताए, कॉलर ने बात की कि गिर जाते हैं ग्रीन बेल्ट काट के, तो आप ऐसी जगह पे क्यों लगाते हो ग्रीन बेल्ट काट के लोगों के घरों के सामने, तो जारी बात है या तो हम तो ना ग्रीन बेल्ट हमने कराची में ही मतलब ये ऑपरेशन हुआ है, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कराची में ही सिर्फ ये ऑपरेशन हुआ है। दूसरी बात ये, हम तो बकायदा पहले जहाँ हम बोर्ड लगाते हैं उसकी पहले उसमें फाउंडेशन डालते हैं, उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है,
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है, बाकायदा वो डिपार्टमेंट में जमा होता है, फिर ये बोर्ड जाके इंस्टॉल होता है। दूसरी बात ये सर, शहर में तो मुख्तलिफ मतलब एलपीजी रक्षों में एलपीजी लगे होते हैं, बसों में एलपीजी लगे होते हैं, वो भी हादसाती तौर पे मतलब वो फट जाते हैं, उससे भी कैजुअल्टीज होती हैं। साइन बोर्ड से तो बहुत कम कैजुअल्टीज रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है ना, इसमें तो 1% के मुताबिक कैजुअल्टीज हुई हैं, बाकी तो मतलब के इलेक्ट्रिक के मतलब पोल लगे हुए, बारिश होती है उसमें करंट आया था, लोग उससे भी मर जाते हैं। तो ये तो नहीं ना कि सारी मतलब सिर्फ साइन बोर्ड के खिलाफ ही ऑपरेशन किया गया। ठीक है, आपकी राय काबिल एहतराम है, लेकिन कैजुअलिटीज़ के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए हर इदारे को कि वो अपना प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करके सामने आए और फिर तमाम तर कानूनी तरीकों के ज़रिए ही इम्प्लीमेंटेशन पर भी गौर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। अच्छा, जो बाज़ बातें हैं उसकी अपनी जगह पर सही है, जो कॉलर है एसोसिएशन वाला है उसकी अपनी बात सही है, इस वजह से कि वो स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो रूल्स की बात कर रहे हैं, वो परमिशन की बात कर रहे हैं, वो बाकायदा फ़ीस की बात कर, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर खराबी कहाँ है? तो इसका मतलब ये है, फिर मैं अगर ये समझूँ इसका मतलब ये है कि दो कानूनी अलर्ट करते हैं, चार गैर कानूनी अलर्ट करते हैं, दो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होते हैं, चार नहीं होते हैं, तो इसको रोकने के लिए अमल करना चाहिए। मैं तो अगेन ये सवाल करता हूँ कि एक थप्पड़ में सबको नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो गैरकानूनी है, जो थिकनेस के मुताबिक नहीं है, जो साइज़ के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ न सिर्फ उसको उखाड़ना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो एडवर्टाइजर हो, चाहे गवर्नमेंट का ऑफिसर हो जो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा है, जो उसकी परमिशन दे रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है क्या आपने परमिशन कैसे दे दिया। और फिर इसके बकायदा इनकी टीमें हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज है इनकी बकायदा हर डिस्ट्रिक्ट के, कराची के इनकी टीमें हैं। कोई भी अगर इवेंट पे आप कोई बैनर लगा ले, आप यकीन करेंगे वो 24 घंटे ज़्यादा लगने नहीं रहता है। जी मधुकर साहब, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, खुश आमदीद, कौन और कहाँ से और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब से बात करना चाहूँगा मैं, वकील साहब कराची से फराज बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए आपका सवाल। जी वकील साहब, सवाल नहीं है, मैं मेरी बड़ी गहरी नजर है इसके ऊपर, ये जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, और देखें ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो बिजनेस करे, कोई से भी नेचर हो बिजनेस हो। अभी कराची के साथ सिर्फ ये ज्यादती होना बहुत गलत है, ये एक माशी कत्ल कर दिया गया कराची के साथ। अच्छा, इसके अंदर आप पिछले 10 सालों में अगर देखें, जो एक अशरा गुजरा है उस एक अशरे के अंदर कराची में कोई किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आया। ये जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब मजबूती के साथ लगते थे, शख्सियत थी कराची खूबसूरती पर बेहंगम तरीके से ये कराची में बहुत ज्यादा बिलबोर्ड सुझाना ये भी गलत था। अच्छा, दूसरी जहां तक आपके मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम के शुरू में जो आपने कहा ये अभी जो एक ऑल्टरनेट आया मार्केट के अंदर, दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स हो रही हैं या दीवारों पे कुछ काम हो रहा है एडवर्टाइजिंग के हवाले से, इसको आप गैर कानूनी किस नजरिए से कह रहे हैं? गैर कानूनी हो नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर के अंदर स्ट्रक्चर लेस काम हो रहा है, उसमें मेन क्ली जो थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो ये थी कि स्ट्रक्चर आयरन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं, गिर जाए तो इंसान उससे कैजुअलिटीज हो सकती है, जो कि हुई नहीं है कराची में अभी तक 10 साल में। अच्छा, अब जो ये काम का ऑल्टरनेट आया इससे शहर भी खूबसूरत है, किसी का विजन या आपको पता है, आपको पता है, मेरे सवाल भी सुन ले, आप मेरी बात भी सुन ले। कल कराची में इसी एक बिल्डिंग के ऊपर पेंट करते हुए एक मजदूर गिर गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कल क्लिफ्टन में, क्लिफ्टन के एरिया में एक जो भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो पेंट करते हुए वो मजदूर गिर गया। और फिर दूसरी बात ये, छोटे ताजर को जो बोर्ड लगाने के लिए तो पाबंदी है, और ये बड़े बड़े जो मल्टी नेशनल है जो अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, इक्वलिटी मैं यही बात कर रहा हूँ कि इक्वलिटी में आर्टिकल 25 का मैंने जिक्र किया है। मेरा सवाल ये है कि जो बड़े जो थोड़ा सा लॉ जानता हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था। आप मुझे एक बात बताएं कि कराची में इलीगल बोर्ड की किसी चीज़ का मैं कोई हिमायत नहीं करता, लेकिन जो लीगल है, जो कानून इजाजत देता है, आपकी बिल्डिंग कंट्रोल, अगर आप टीवी देख रहे हैं मेरे सामने पड़ा हुआ है, यहाँ जो सिटी गवर्नमेंट के बकायदा परमिशन मिलता है वो तो होना चाहिए या वो भी नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मेरा सवाल उनसे ये कि आपने जो बड़े बड़े गालबन ये मल्टीनेशनल का कोई नुमाइंदा था, अब आप मुझे एक बात बताओ, उस मल्टीनेशनल का तो मैं अगेंस्ट इस वजह से हूँ कि फिर ये गवर्नमेंट को क्या फायदा, सिटी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसकी, अगर आपने अपनी बिल्डिंग को पूरा, कल मैं 2-3 दिन पहले गुजर रहा था नागन चौरगी में, एक पूरा बिल्डिंग में एक मोबाइल कंपनी ने रंग किया है,
آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے تو خرچہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے گھروں کو بھی کچھ پیسے آپ دے رہے ہوں گے، لیکن گورنمنٹ کو کیا فائدہ؟ یہ گورنمنٹ جو یہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، جہاں ہر آدمی کہہ رہے کچرا کچرا، جہاں ہر آدمی کہتا ہے روڈ خراب ہے، جہاں ہر آدمی کہتے ہیں پانی نہیں ہے، جہاں ہر آدمی کہتے ہیں بجلی نہیں ہے، ان کو فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کو فنڈ انہی چیزوں سے آئیں گے. آپ نے اپنی بلڈنگ خرید لی ہے 2 ارب روپے کی، اور پورا کا پورا آپ نے اپنے پروڈکٹ سے آپ نے کر لیا، تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے، ان کی پرمیشن ہونا چاہیے. اور جو میں مزدور کی بات کروں، یہاں کلفٹن کے ایریا کراچی میں کل ایک مزدور گرا ہے اسی بلڈنگ پہ، میں نام لینا چاہتا ہوں، اور پھر بڑے بڑے ملٹی نیشنل کے، میں تو بات کروں چھوٹے تاجر کی، چھوٹے جو دکاندار ہے، کوئی تولیہ بنانے والا، کوئی صابن بنانے والا، کوئی چالیا بنانے والا، یہ ساری چیزیں ان کے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ رہتا ہے. یہ 100 چینل میں اپنی اشتہارات اربوں روپے کا نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا کے، ایک چھوٹا سا بینر لگا کے اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ کر لے. اور پھر عامل بابا اور یہ ساری چیز، ان کو اجازت کس نے دی ہے؟ کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس کو اس کے جو جس جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں کورٹ کو اسسٹ کی وسائل سے اداروں نے آیا، انہوں نے عامل بابا اور ان جاسوس اور یہ مافیا اور یہ بہت سارے جو اسکینڈل جو مختلف چینل لگے ان کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا ہے؟ میرا سوال آج کا ہمارا ٹاپک اس وجہ سے کہ ایک چیز جو لیگل ہے اس کو آپ رہنے دیں اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. کوئی الیگل ہے ضرور اس کو کاٹے، اس کو سزا دے، اس کو بند کرے، اس کو اکھاڑ دے. جی، اگر ہم خصوصاً میئر کراچی کی بات کریں، اگر ہم خصوصاً کراچی کی حکومت کی بات کریں، تو ہمیشہ فنڈس کی فراہمی اور کمی کا رونا رویا جاتا ہے. اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، اگر آپ سائن بورڈس کو لیگلی الاٹ کرنے دیں، ایڈورٹائزنگ کمپنیز کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور فنڈس کی کمی بھی آپ کے ساتھ دور ہو جائے گی. قادر صاحب اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی ایڈورٹائزر ایسوسی ایشن کے، سید حامد حسن صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون کال کے ذریعے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے آج کی اس پوری صورتحال پر کیا موقف ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بزنس پلس کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس ٹاپک کو لیا اور اس ایشو کو ریز کیا. میرا سوال ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک تو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قانون کا سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے 100%. تو بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ مافیا جو ہے، آپ ابھی شہر میں باہر نکلیں گے آپ کو وال پیسٹنگ بھی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا، ان لیگل معاملات بھی نظر آئیں گے، جس سے ریونیو تو ہمارا بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کام چل رہا ہے، ایک تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ عدالت کو یا تو کوئی پہنچانے والا نہیں ہے یہ کہ یہ ابھی بھی جاری ہے، ایک تو اس کو اسٹاپ کیا جائے. پلس یہ ہے کہ اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے، سب کے لیے ایک جیسے رولز اینڈ ریگولیشن ہو تاکہ سب کا کاروبار چلے اور سرکار کا ریونیو بھی جنریٹ ہو. لیکن آپ سے بھی میرے سوال ہے کہ آپ لوگ بھی تو ایک ایک پرمیشن مل جائے، نہ اس سائز کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تھکنس دیکھتے ہو، ایک ہلکی پلکی چادر اور یہ چیز لگا لیتے، کل کا انسانوں کی موت کا باعث بھی تو بنتے ہیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا. اب آپ لوگ بھی تو صحیح چیز نہیں لگاتے ہیں. اگر آپ ایک آپ کو ایک قانون کے مطابق یقیناً آپ کو پرمیشن ملا ہوگا، آپ نے اس کی فیس بھی بھریں گے، لیکن آپ نے وہ تھکنس اور سائز کا، اور جو ایک کالر نے بات کی گرین بیڈ پہ لگانا، کسی کے گھر کے سامنے لگانا، یہ بھی تو آپ لوگ کر رہے ہو نا، اس کو روکنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے 2006 کا ایڈمٹمنٹ ہوا ہے، اور اس قاعدہ لوکل ٹیکس ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت نے ڈپلوائے کیا ہے، اس میں ڈائریکٹر حضرات بھی ہیں، انجینئر حضرات بھی ہیں، انسپیکٹر حضرات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تنخواہیں سرکاری تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی میں تو کہتا ہوں کہ بائی لاز سخت ہونے چاہیے، اور ہمارا تو مطالبہ سب سے پہلے یہی ہے کہ بائی لاز سخت ہونے چاہیے. یہ جب اپلیکیشن پہلے سبمٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ ہمیں چلان نہیں ایشو ہوتا، اس کی نوٹ شیٹ بنتی ہے، نوٹ شیٹ کے بعد لوکیشن میپنگ ہمیں کر کے دینی ہوتی ہے، اس پہ پہلے ایک سروے ہوتا ہے کہ یہ کسی کی دوسرے کی سائٹ تو نہیں چھپ رہی، اس سے کسی ماحول میں تو ڈیفیکٹ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی درخت تو نہیں ہے، کیونکہ درخت کاٹنا سخت پابندی ہے درخت پہ نا، تو وہاں سے اس کی اپروول ملتی ہے. اس کے بعد جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد ایک انسپیکشن ہوتی ہے، اور انسپیکشن رپورٹ بھی جمع ہوتی ہے. ہاں میرے بھائی سن لیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو آپ میری بات سنو، آپ میری بات سنو علی صاحب، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پھر یہ لوگوں کے اعتراض کیوں ہے؟ دیکھو یہ سب اچھا تو نہیں ہے نا، آل از ویل تو نہیں ہے نا.
अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, रूल्स भी बता रहे हो, इंजीनियरिंग काउंसिल की भी बात कर रहे हो, परमिशन की बात कर रहे हो, ड्यूज की बात कर रहे हो, सब चीज़ें हम मान लिया है, मगर फिर आवाम क्यों है? बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी तो है ना, और फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब एक इसका एक्शन लिया है तो इसका मतलब ऐसे कोई गलत तो नहीं लिया है? सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कोई रिपोर्ट गया होगा, कोई इलीगल कोई चीज़ गया होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सर ये यही मसला है, हमारे इस कारोबार में भी माफिया इन्वॉल्व है जो ये चीजें नहीं देखती, और उसमें शुक्र है इसने माफिया तो मान लिया, जो मिलके ये परमिशन अलॉट करते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर से हटकर। तो या तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए, हमारा मुतालबा ये है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इस खामियों को और इन चीजों को, इनफिलिटीज को, और जो आउट ऑफ द वे परमिशंस को, उनको चेक भी करे और उनको हाईलाइट भी करे, तब जाके इन चीजों का तदारक हो सकता है। ये कोई इतना कोई साइंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और शायद अगर स्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रेशन हो, और अगर क्या बात है अंजुमन के ये कराची एडवर्टाइजर एसोसिएशन का गालबन वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी ये बात करें, इससे पहले भी कोई एसोसिएशन का बंदा था वो भी यही बात कर रहे थे, तो आखिर खामी कहाँ है? निजाम ये बातें कर रहे हैं कि रूल्स, पैसे, फीस, स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग फलाना सब बातें ये अच्छी कर रहे हैं, तो फिर ये खामी कहाँ है? इसको रोकने के लिए क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक्शन लिया है तो उसके सामने कोई ना कोई रिपोर्ट तो गई होगी ना, इस तरह आखिर उस वो रिपोर्ट किसने दी है? आखिर किन लोगों ने इस केस को आगे असिस्ट किया? आखिर ये पाबंदी पूरा पाकिस्तान में सिर्फ कराची में क्यों लगी? सुप्रीम कोर्ट गलत तो नहीं हो सकती है, मगर उसके सामने इस तरह कोई अकायद गए होंगे को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देने में मजबूर हो गए। लेकिन अब भी मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में रिव्यू की अपील की जा सकती है, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, उसको बकायदा प्रॉपर तरीके से असेस्ट करने की ज़रूरत है, और जो रूल्स है, जो साइज़ है, जो इलीगलिटी है, उनको सामने हाईलाइट करके। देखो मैं वही लाइब्रेरी की बात करूँ कि एक किताब ख़राब या एक किताब जो है ना उसके ऊपर तंकीद होने से मतलब ये नहीं कि आप पूरे लाइब्रेरी बंद करें। फिर एक कॉलर ने बात की थी कि ये जो LPG है आप देख रहे हैं, LPG के तो भरमार है शहर में, और फिर आप इलेक्ट्रिक की बात करें, चाहे के इलेक्ट्रिक का आजकल धरने भी चल रहा है के इलेक्ट्रिक का, और कितने के इलेक्ट्रिक के और वापडा के करंट से कितने लोगों की जाने जाई हुई, क्या उसका कोई डिटेल है? वो नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमारे शो का मकसद ये है कि एक अगर चीज़ गलत है या एक कोई इलीगल कोई काम हो रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप वो लीगल काम है उसको भी आप बंद कर लें, आप उसको बेहतर करें उसको, क्योंकि आप बेहतर करेंगे तो जो लोगों को रोज़गार है उसका हवाले से, जो जारी बातें बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो गए होंगे, जारी बातें जिनका सोर्स ऑफ इनकम है, एक कॉलर ने बात की कि फाके पे लोग मजबूर है, बच्चे स्कूल भेजना उन्हें छोड़ दिए, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर जो विजिलेंस है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए, निज़ाम ठीक हो जाए, तो तमाम फिर मसाइल पर हम काबू पा सकते हैं। वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, कोई लास्ट कॉमेंट करना चाहेंगे आप आज के टॉपिक के हवाले? मैं समझ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में, मैं बदकिस्मती से ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी का मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, कोई अगर इलीगल कोई काम हो रहा हो तो उसके साथ लीगल भी ख़त्म किया जाता है। मैं कहता हूँ उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है ना इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है, जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए, उनकी सर को भी होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेहतर हो तो हम उसको, और ये एक टॉपिक की बात नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ना कि उसको ख़त्म करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का और आपकी तमाम तर लीगल एक्सपर्टीज़ का। आज का हमारा टॉपिक था इलीगल साइन बोर्ड्स के हवाले से, और हमने बिजनेस प्लस के प्लेटफॉर्म से आज यही कोशिश की कि इसके मस्बत मनफी दोनों पहलुओं को उजागर भी कर सके। गालिबन आप अगले वीक का टॉपिक अनाउंस करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में जिस तरह आप देख रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट का भी जो फैसला आया था, वो जो गुस्ताख रसूल हवाले से कोई चीज़ें थी और या टेलीफोन कॉल्स की लोगों को तंग करना वगैरह वगैरह, तो साइबर क्राइम जो है ना वो चूँकि पहले भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो अब मज़ीद आवाम की, क्योंकि हमारे पास जो टेलीफोन कॉल और लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगली मरतबा हमारा साइबर क्राइम के ऊपर टॉपिक होगा, और साइबर क्राइम के बारे में हम बताएंगे कि उसके ऊपर अमल दरामद, उसको रोकथाम, और वही चीज़ आ रही है साइबर क्राइम की भी, आप इंटरनेट, आप फेसबुक व्हाट्सअप बंद नहीं कर सकते हो, आप उसको बेहतर कर सकते हो। साइन बोर्ड के हवाले से जो बात की, आप उसको बंद करने की जो है ना वो हम मुखालफत करेंगे, आप उसको बेहतर करें, इसी तरह इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता है, उसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक होगा इंसाफ में साइबर क्राइम। आज के इस प्लेटफॉर्म से इतना ही, अर्जुमंद यूसुफ और हमारे लीगल एक्सपर्ट कादिर खान मंदोखेल साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।